इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। बेलगाम शहर में वैसे भी कोरोना वैक्सीनेशन पर आवाम की हो रही परेशानियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, लिहाजा कॉलेज तलबाओं में वैक्सीनेशन को लेकर खासी नाराजगी देखी जा रही है। आज डिप्लोमा कॉलेज तलबाओं ने वैक्सीन ना लेने वालों को इम्तिहानात ना देने के हुकूमत के फैसले की मजम्मत करते हुए पहले वैक्सीन दो फिर इम्तिहान लो की बात कही। वही जिस तरह पीयूसी इम्तिहानात को रद्द किया गया, उसी तरह डिप्लोमा के भी इम्तिहानात को रद्द किया जाए, ऐसा डीसी बेलगाम को मुतालबा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किया गया। इस वक्त सैकड़ों की तादाद में तलबाओं ने शिरकत फरमाई। तलबाओं का कहना है कि किसी तरह की हिदायत देने से पहले ही अचानक इम्तिहानात का ऐलान ठीक नहीं है। ना तो वालिदैन की राय ली गई और ना ही किसी तरह पढ़ाई के लिए वक्त दिया गया। ऐसे कई तलबा हैं जिन्हें कोरोना हुआ था और कई ऐसे हैं जो अब भी कोरोना का शिकार हैं, जिन्हें 3 महीने तक वैक्सीन नहीं दिया जाता। लिहाजा तलबाओं और वालिदैन की राय ली जाए, हम किसी तरह फिलहाल इम्तिहानात के लिए तैयार नहीं है, बेहतर है इन्हें रद्द किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। कोरोना भी किसी वेब सीरीज से कम नहीं लग रही, क्योंकि सीक्वेंस के मुताबिक पहला दूसरा तीसरा बताया जा रहा है, तीसरी लहर की बात की जा रही है। ताज्जुब तो इस बात पर हो रहा है कि WHO से लेकर एम्स तक सभी अलग अलग राय अपनी पेश कर रहे हैं। अब तो इसकी तारीख भी तय कर दी गई है, अब इसे अगस्त से अक्टूबर में आना तय कहा जा रहा है। तो किसी ने 4 जुलाई को ही तीसरी लहर दाखिल होने की भी बात कही है, किसी ने बच्चों को इससे बहुत ज्यादा खतरा बताया, तो किसी ने बच्चों को इससे किसी तरह डरने की जरूरत नहीं कहा। एम्स के डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि तीसरी लहर बहुत ही खतरनाक होगी। तो डॉक्टर VP श्रीवास्तव ने कहा कि तीसरी लहर आ चुकी है और दूसरी लहर से बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं है और कम नुकसानदेह है। खैर इतना जरूर है कि हर कोई अपने मुताबिक बात कर रहा है। जहां शहरों में वैक्सीन को लेकर हंगामा बरपा है, वही देहात में जबरन वैक्सीन लगाने की भी मुहिम जारी की गई है। हुकूमत के इस रवैये से आवाम तशवीश में है। रियासत कर्नाटक BJP इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार करते नजर आ रही है। वैसे भी वजीर आला येडियुरप्पा दिल्ली दौरे से अपनी कुर्सी को मजबूत बनाकर लौटने की बात कही जा रही थी, वहीं पर उन्होंने वजीर आजम, वजीर दाखिला और दिगर आला लीडरान से मुलाकात कर लौटे थे और किसी तरह के इस्तीफे की बात को भी रद्द किया गया था। पर भाजपा रियासती सदर नलिन कुमार कटील के ऑडियो वायरल होने से अभी भी कुर्सी मजबूत नहीं है का इशारा दिया जा रहा है। कांग्रेस ने इस पर तंज करते हुए ट्वीट के जरिए कहा कि भाजपा का मीर सादिक नवीन कुमार कटिल है। पहले भाजपा में नवीन कुमार कॉमेडी हीरो के तौर पर देखे जाते थे, पर अभी उन्हें विलन के तौर पर देखा जा रहा है का तंज किया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक वजीर आला के साथ जगदीश शेट्टर और के ईश्वरप्पा गिरोह को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा की बात कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि येडियुरप्पा ने कुर्सी छोड़ने के लिए 3 शर्तों को हाईकमान के सामने रखते हुए कुर्सी छोड़ने की बात कही है, जिसमें अपने बड़े फर्जंद राघवेंद्र को मरकज में वजारत, दूसरे फर्जंद विजेंद्र को रियासती वजीर और आखिर में येडियुरप्पा जिसे कहेंगे उसे वजीर आला बनाना होगा। अब क्या इन 3 शर्तों को मरकजी हुकूमत तस्लीम कर लेती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बता देगा। अगर पार्टी में अंदरूनी नाराजगी इंतहा पर पहुंचती है तो क्या फिर KJP जैसे किसी पार्टी का रास्ते पर येडियुरप्पा चल पड़ेंगे? आखिर किस रास्ते पर रियासत भाजपा चलती है, यह तो आने वाला वक्त दिखा देगा। अनगोल झटपट कॉलोनी रहमत मस्जिद के सदर मरहूम जनाब जैनुल साहब दुकानदार, इनके इंतकाल के बाद बरोज जुमा इनके फर्जंद जनाब दिलावर जैनुल दुकानदार को बतौर सदर मुंतखब किया गया। इस वक्त यंग कमेटी की जानिब से इनकी कुलपोशी फरमाई गई। इस वक्त कमेटी के जिम्मेदार समीर नायक, मुन्ना देसाई, अफसर सैयद, बाबा साहब सैयद और सद्दाम शेख मौजूद रहे। आज हमारे यहाँ पर यानी कि हिंदी हफ्तरोजा अखबार पैगाम इत्तेहाद और इत्तेहाद न्यूज के दफ्तर को बेलगाम पुलिस के आला अफसरान ने इत्तेहाद मीडिया के कामों को सराहा। ACP नारायण बर्मनी साहब और ACP चंद्रप्पा दफ्तर तशरीफ लाए। इस वक्त आला अफसरान की गुरपोशी शालपोशी फरमाई गई। इत्तेहाद न्यूज की मकबूलियत पर उन्होंने मुबारकबाद पेश की। पैगाम इत्तेहाद और इत्तेहाद न्यूज के तमाम स्टाफ और TSS के जिम्मेदार फजल खान पठान भी इस वक्त मौजूद रहे। आज जमीयत उलमा हिंद बेलगाम दफ्तर के इफ्तिताह आजम नगर में अमल में आई। इफ्तिताह जमीयत उलमा कर्नाटक के जिम्मेदार मुफ्ती इफ्तिखार साहब के हाथों से ही की गई।
इस वक्त मुफ्ती इफ्तिखार साहब ने जमीयत उलमा के कयाम और मुस्तकबिल के मंसूबे और तरीकेकार पर बयान किया। दीगर जिम्मेदारान में बेलगाम जिला जमीयत के जिम्मेदार मौलाना सलीम, मौलाना साजिद, मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब, मौलाना मुजम्मिल, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, मौलाना मोहम्मद आरिफ इनामी शरीक रहे। इस वक्त अंजुमन इस्लाम के सदर जनाब आसिफ राजो सेठ और सेक्रेटरी जनाब समीउल्लाह माड़ीवाले साहब भी मौजूद रहे। अंजुमन इस्लाम के सदर जनाब आसिफ राजू सेठ ने दफ्तर की इफ्तिताह पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उलमा मुस्लिम समाज के ताज हैं और हमेशा इनकी रहबरी में कामों को अंजाम दिया गया और आगे भी दिया जाएगा। अंजुमन इस्लाम ने उलमाओं की रहबरी में पेशकदमी की है, ऐसा बताया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।